सतगुरुदेव की जय। कहते हैं गुरु कबीर का बाजे डंका तो भूत प्रेत सब भागे लंका। हमारे गुरुदेव कल बता रहे थे कि भूत प्रेत क्या है, अंदर का विकार है, उसको भगाने के लिए ठीक से डंका बजाइए। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। हे सतगुरु संत रमना श्वेत कंज सत धाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंपी के चरणों रहा समा। ज्ञान मूर्ति देवस्वरूप मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम वंदनीय संत समाज साध्वी समाज, निर्चिर विवेकी परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जिस समय राजाओं सामंतों नवाबों एवं जमींदारों का दमन चक्र चल रहा था। पूरा मानवता त्रस्त थी, अतः भारत की अंतरात्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य को बिना लाग लपेट के ज्यों का त्यों कह सके, जो सबका हो और सबसे भिन्न हो। उपर्युक्त संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपने ज्ञान लोक से सबको आलोकित कर दिया, जिसे आज आप हम सब महान सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान। अपने नाम के अनुरूप सदगुरु कबीर सचमुच महान थे। उसकी महत्ता को जितना कुछ कहा जाए सज्जनों वो कम ही है। आज सदगुरु कबीर साहब का पार्थिव शरीर नहीं है, किंतु अपने वांग्मय और यशा शरीर से वे आज भी जन जन के दिलों में जीवित है। आज उनकी अमर वाणी हर जगह गूंज रही है और सदगुरु कबीर साहब अंधविश्वास चमत्कार पाखंड ये सारी बातों को छिलके की भांति फेंक उतारे और उन्होंने कहा कि जीवन कुछ समय के लिए मिला हुआ है, कुछ पल के लिए मिला हुआ है, उसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि दुनिया में हम हर समय रहने के लिए नहीं आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। जैसे इस सुंदर मंच सजा हुआ है और इस मंच में संचालक साहब जिसको समय देते हैं वो मंच में आकर के अपना पाठ अदा करते हैं, वैसे ही संसार पे रंगमंच में हम सब कुछ समय के लिए आए हैं और संसार पे रंगमंच से जब इस संसार से चले जाएंगे तो लोग जो जैसे पाठ अदा करे रहते हैं किए होते हैं उसी को याद करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री हैं। इसी पद में सदगुरु कबीर ने कहा है मुआ है मर जाऊंगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रहेगो बोल। पहले के लोग चले गए हैं और हम भी जाएंगे, क्योंकि मृत्यु जीवन का परम सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जाता। जाने के बाद लोग अच्छी और बुरी चर्चा करते हैं उनके कर्मों के माध्यम से। संसार तो सपने के प्रेमी बने हुए हैं और इसी में हम भूल जाते हैं। इसलिए कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को सुंदर बनाएं, क्योंकि किसी ने कहा है कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्म और धर्म को जिन्होंने बना लिया उनका जीवन स्वर्ग से सुंदर ही नहीं शांतिमय बन गया।
सदगुरु कबीर साहब इसी तरफ इंगित करते हैं कि जीवन में कर्म और धर्म को बनाएं, अपना परमार्थ का काम करें। जीवन तो सबको मिला हुआ है, लेकिन बनाना हमारे हाथ में होता है। जैसे मकान मालिक जब नया मकान बनाता है तो नया मकान बनाने से पहले वो नक्शा तैयार करता है, कितना कमरा बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, किधर सेप्टिक बाथरूम बनाना है। नक्शा तैयार होने के बाद जब वो मकान बनाता है, सज्जनों हमारा जीवन भी हमारे हाथ में है। जीवन के नक्शा हमको बनाना है कि हमको जीवन कैसे जीना है, जीवन के दिशा को किस तरह ले जाना है। वैसे जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। आज के समय में, वर्तमान के परिवेश में, नई सदी में देखते हैं, जब शादी होती है, शादी होने के बाद लड़के और लड़की हनीमून मनाने जाते हैं, और हनीमून मनाने जाते हैं वहीं से उधरे से उधर से ही गर्भ में बच्चा लेकर के आते हैं। अब बताइए बच्चा उत्पात होगा कि नहीं होगा? गर्भ में ही बच्चा 200 हत्याकांड देख चुके होते हैं, 2.5 साल के उम्र में ही बच्चा 2,00,000 हत्याकांड देख चुके होते हैं और 25,000 रेप की घटना देख चुके होते हैं। अब ऐसे बच्चे नालायक नहीं होंगे तो क्या होंगे? भगवान गणेश के तो 2 ही बच्चे थे, रिद्धि और सिद्धि। आज सज्जनों आज आदमी एक ही बच्चे रखते हैं, वो भी होते हैं जिद्दी। इसका कारण क्या है? जीवन की दिशा बिगड़ गई है, इसलिए दशा ही बिगड़ गई है। लोग कहते हैं कि माता पिता से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल पर ज्यादा जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, कैसे जानते हैं? बच्चे का दिमाग कंप्यूटर होता है, वो तो बाद में जाने जाते हैं, लेकिन माँ के गर्भ से ही वो बच्चा सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ जान रहा है। और इसी का परिणाम आज आता जा रहा है कि बच्चा छोटेपन से उत्पात हो रहा है, जिद्दी हो रहा है, और क्या क्या घटना घट रही है छोटे से बच्चे के जीवन से लेकर के। तो जीवन जीने की कला तो सीखते हैं, लेकिन सुंदर जीवन जीने की कला उसी समय से बिगड़ जाती है जिस समय एक दंपत्ति गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। पहले गांव-गांव में स्कूल नहीं होता था तो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद जब गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते थे तो आशीर्वाद लेने के लिए संत गुरुजनों के पास जाते थे। और आज शादी होती है, स्कूल में तो केवल शिक्षा के लिए जाते हैं। शादी होने के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, वहाँ क्या सीख लेंगे, वहाँ क्या शिक्षा लेंगे और जीवन को वहाँ कैसे बनाएंगे? तो जीवन में हम देखते हैं, जीवन की नक्शा तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए और वर्तमान के परिवेश के लिए। और इसी का परिणाम आज क्या आ रहा है? नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहते बाप से तेरी क्या औकात। यही तो हो रहा है नई सदी में, यही मिल रहा है। आज बेटा बाप से कहते कि तुम्हारी क्या औकात है? पहले तो शिक्षा बढ़ी, उसके बाद भी ये कहते थे कि हम दो, हमारे दो और माँ बाप को छोड़ दो। मतलब माँ बाप घर में एक कोना में पड़े रहे, इतना सम्मान रहता था। और आज और शिक्षा का विकास होता जा रहा है, उसमें क्या करते हैं? हम तो हमारे एक और माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज। यही तो हो रहा है आज, वृद्ध आश्रम देश में खुल रहा है। सज्जनों एक देश का विकास नहीं, देश का ह्रास है। माता पिता कितने कष्ट से बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, योग्य बनाते हैं, लेकिन इतना योग्य बनाते, इतना लायक बनाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके योग्य होकर के माता पिता को नालायक समझता है। कितने कष्ट से जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, उसकी कीमत कहाँ समझ पाते हैं? जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बताते हैं कि कितना दर्द सहती है, जन्म और मृत्यु के बीच में रह करके वो बच्चे को जन्म देती है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं मनुष्य जीवन में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है, लेकिन जब
एक माँ एक बच्चे को जन्म देती तो 57 यूनिट दर्द सहती है, और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। विचार करिए भाई लोगों, में ये तो एहसास है ना, एक हड्डी टूटे तो कितना दर्द होता है? 10 इंजेक्शन लगाएंगे, 10 दवाई खाएंगे, तब भी रात भर कराहते रहेंगे। लेकिन ये माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक साथ 20 हड्डी टूटने के समान दर्द सहती है, तब हम लोग को जन्म दी है। और यही बच्चे बड़े होकर के कहते तुमने मेरा किया क्या? तो जमाना बदल रहा है, शिक्षा का विकास हुआ, संस्कृति बदलती गई और जीवन विकृति में बढ़ता गया, और विकृति जीवन जीने वाले के जीवन में सुख नहीं आ सकता। सदगुरु कबीर साहब के जमाना में भी पानी ठंडा रहता था, आग गर्म होती थी। आज भी पानी ठंडा है और आज भी आग गर्म है। तो संस्कृति में जीवन जीने वाले पहले भी सुख से जीवन जिए, और विकृति में जीवन जीने वाले पहले भी दुख में जीवन जिए। संस्कृति में जीवन जीने वाले आज भी सुख और शांति का जीवन जी रहे हैं सज्जनों, और विकृति में जीवन जीने वाले आज भी दुख और तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। जीवन में सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में तकलीफ आती है, क्योंकि किसने कहा है ना, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। जीवन गुलाब का बिछावना नहीं, कांटों से भरा हुआ है। जब गुलाब का फूल आता है तो पहले कांटों को पार करके तब आता है। वैसे जीवन में प्रतिकूलता आती है, सबके जीवन में आती है, लेकिन उसी प्रतिकूलता से जो टूट जाते हैं सज्जनों, वो बिखर जाते हैं, और उसी प्रतिकूलता में जी लेते हैं और निखर जाते हैं। लोग जमाने को दोष देते हैं, जमाने दोष के कारण नहीं है। आज भी अच्छे से अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा से धर्मात्मा लोग हैं, और आज भी बिगड़े से बिगड़े लोग हैं। बाबू गुरु जो इतने बड़े कार्यक्रम देश के कोना कोना के संतों को बुलाए हैं और अपनी संपत्ति को धर्म में लगा रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग आज भी हैं, और बिगड़े से बिगड़े लोग आज भी हैं, जो धन लूट रहे हैं, संपत्ति लूट रहे हैं, और दूसरे के जीवन को दुख में नरक में बना रहे हैं। इसलिए किसने कहा है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में हमको पीना नहीं आया। दुनिया बिगड़ी भी नहीं है, दुनिया खूबसूरत है, लेकिन हमको जीना नहीं आया। नशा केवल जुआ में नहीं, नशा केवल शराब में नहीं सज्जनों, नशा तो सेवा में भी है, नशा भक्ति में भी है, नशा ज्ञान और वैराग्य में भी है, लेकिन वो नशा हमको चढ़ा नहीं और उस नशा को हमको पीना नहीं आया। तो जिंदगी अच्छी है, लेकिन जिंदगी में जीना, जीवन जीना सीखे। जीवन में दुख आता है, जिंदगी में तकलीफें आती है, लेकिन उसको पार करके जिनको हंसना आया, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। किसने कहा है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखे, हर हाल में सुंदर जीवन जीना सीखे, और जीते जीते अपने संस्कार को सुंदर बनाना सीखे। धन तो मिला, संपत्ति मिली, लेकिन सज्जनों संस्कार नहीं मिला। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना विकास हुआ है, 100% में 99% लाना आज विद्यार्थी को कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। शिक्षा में इतना विकास हुआ है, लेकिन संस्कार में देखें तब पहले के लोग अनपढ़ कहलाते थे। 5 साल के बाद 6वां साल में स्कूल पढ़ने जाते थे, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती थी, तो क्या करते थे, क ख ग घ से पढ़ाई की शुरुआत करते थे, और आखिरी में ज्ञा से पढ़ाई का अंत करते थे। जीवन भी वैसे होता था, कमल से पढ़ाई जिंदगी की शुरुआत होती थी, और आखिरी में ज्ञा बन करके, ज्ञानी बन करके पढ़ाई का अंत करते थे। जीवन भी वैसे होता था, फूल की तरह जीवन जीते थे और ज्ञानी बन करके जीवन का अंत करते थे। कैसे होता था, हमारे पूर्वजों ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहले के लोग ही नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे भी 4 आश्रम के अनुसार जीवन जीते थे, और जीवन को सुंदर, सुखमय और शांतिमय बनाते थे। आज पढ़ाई जीवन तो कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद वानप्रस्थ और संन्यास को भूल ही जाते हैं। लोग कहते हैं ना, मधुमक्खी बड़ी मूर्ख है,
जो जीवन पर शहद संचय करके रस नहीं ले पाती। आदमी उससे ज्यादा समझदार नहीं है। मधुमक्खी तो शहद संचय करते बेमौत मरती नहीं, आदमी सुख के साधन जुटाते जुटाते सजना उसी में पसते पसते मर जाते हैं, सुख से जीवन जी नहीं पाते। आज अंग्रेजी का जमाना आया है, आज 30 साल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और ABCD से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाग से पढ़ाई की शुरुआत होती है और आखिरी में जे फॉर जेबरा से पढ़ाई का अंत करते हैं। लगभग जीवन ही वैसे होता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब से जिंदगी की शुरुआत होती है। सेब एक भोग की चीज है सज्जनों, भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत होती है और आखिरी में जानवर बन करके जिंदगी का अंत करते हैं। इसलिए जिंदगी की शुरुआत तो करे लेकिन सुंदर जीवन जीने का नक्शा पहले बनाए, तब देखिए जीवन सुंदर कैसे नहीं बनेगा, जीवन सुव्यवस्थित कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही अलग है ना। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते किस लिए? कि अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा वकील बने, अच्छा पायलट बने, अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन अच्छा इंसान बने ये सिर्फ कहीं नहीं देते। आज इसके लिए न सरकार भी कोई आश्रम खोल पाए हैं, न कोई विश्वविद्यालय खुला है कि एक अच्छा बेटा बने, अच्छा पुत्र बने, अच्छा पति बने, अच्छा पिता बने, ऐसा विश्वविद्यालय कहीं नहीं खुला। डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाने के लिए विश्वविद्यालय तो सब जगह है और इसी के कारण आज डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन अच्छा पुत्र नहीं बन पाते, अच्छा पति नहीं बन पाते, अच्छा पिता नहीं बन पाते। इसी कारण खुद का जीवन संस्कारी हो पाता है ना, आने वाली पीढ़ी को सुंदर संस्कार दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने बच्चे को गमला का पौधा मत बनाइए जो प्रतिकूलता आए तो टूट जाए और बिखर जाए, क्योंकि गमला के पौधा में रोज पानी डालेंगे ना तो हरा भरा दिखता है और खिला रहता है, और एक दिन पानी ना डालो तो मुरझा जाता है। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाइए ताकि प्रतिकूलता आए तभी वो मुरझाए ना, खिला ही रहे और मुस्कुराता ही रहे। और अगर ऐसा जंगल का पौधा बनाएंगे ना तो माता पिता दुनिया से चले भी जाएंगे तो लड़के के लिए चिंता नहीं होगी कि जीवन जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। इतना कोमल न बनाइए। माता पिता होने के नाते प्रेम देने के साथ साथ थोड़ा कठोरता भी दीजिए ताकि जीवन में आगे चल करके दुख आए, तकलीफ आए, प्रतिकूलता आए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उसमें अपना कदम मजबूत रख सके। तो दुनिया बड़ी अच्छी है, हमको जीना नहीं आया क्योंकि हमारा लक्ष्य ही बदल गया। किसमें बदला? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे करके धन कमाना सिखाते हैं। सज्जनों धन आपको सुविधा दे सकता है, धन से आपको पैसा मिल सकता है लेकिन धन से आपको सुख नहीं मिल सकता। क्या बच्चे को पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं? मशीन से आपको पैसा मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिलेगी। आज हम देखते हैं बड़े बड़े धनवान कहलाने वाले लोग ही नहीं, अमेरिका जैसे संपन्नशाली देश में लोगों को रात में नींद नहीं आती, और ऐसे अमेरिका जैसे लोगों के लिए रात में नींद की गोली खाने के लिए एक महीना में लाखों रुपया खर्चा किया जाता है, वो भी पैसा किस काम का? इसलिए संतों ने कहा है, अरे धन में सुख ढूंढने वालों तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर की तलाश में। अरे कोई बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, पर वे भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। इसलिए जब बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे तो बच्चे का जीवन संपन्नता का जीवन तो होगा लेकिन साथ साथ सुखमय जीवन होगा, क्योंकि आपके गोद में जो बच्चा पल रहा है ना, सिर्फ आप बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, घर के भविष्य को पाल रहे हैं। आज आपका जो छोटा सा बच्चा है कल आपके घर का, आपके परिवार का भविष्य होगा। आप विचार करिए छोटे से बच्चे के अंदर में कैसी सीख, कैसा संस्कार और उनके मनो मस्तिष्क और दिमाग में हम क्या भरते जा रहे हैं। तो धन चाहिए, संपन्नता चाहिए लेकिन उसके साथ साथ सज्जनों सुखी जीवन जीने के लिए सुंदर संस्कार चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है
जीवन में कुछ पाना है तो कुछ का त्याग करो, कुछ कुछ पाना है तो कुछ कुछ का त्याग करो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ का त्याग करो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ का त्याग करो। भगवान बुद्ध बुद्ध नहीं थे जो राजपाट पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके साधु हो गए। हम सब भी बुद्ध बनने आते हैं सज्जनों, लेकिन जमीन मकान दुकान गाड़ी और बाड़ी में बुद्ध बन जाते हैं, हम उसी में चिपक जाते हैं। बुद्ध बनने तो आते हैं लेकिन बुद्ध बन करके इस दुनिया से जाते हैं। तो महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को अच्छा बनाएं, तो चार दिन की जिंदगी में जिंदगी खिल जाएगी, जीवन सुंदर बन जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा, हर किसी से प्यार कर लो, प्यार कर लो सबसे, क्या पता कब प्यार का घर फूट जाएगा, क्या पता कि प्यार का घर कब फूट जाए। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में सज्जनों सबसे व्यवहार सुंदर बनाए, ये सफलता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यही माने, एक धर्म ही है साथी, केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल असार देखो। अगर इतना ज्ञान हो गया व्यवहारिक और आध्यात्मिक में, तो निश्चित है जीवन की सफलता है, जीवन की सच्चाई है, जीवन की वास्तविकता है। जिसको जानते हैं उसमें जीवन जीना सीखे। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, पहले के लोग चले गए, हमारी भी बारी आ रही है, जाने के बाद लोग हमारी अच्छाई बुराई को याद करें कि ना करें, लेकिन इतना जरूर है अच्छा कर्म करने वालों का वर्तमान सुखमय होता है और भविष्य प्रकाशमय होता है, गलत कर्म करने वालों का वर्तमान दुखमय होता है और भविष्य अंधकारमय होता है। ऐसे सद्गुरु कबीर साहब हम सबको एक समता का पाठ पढ़ाए। सद्गुरु कबीर का मार्ग समता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। सद्गुरु कबीर का मार्ग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ने का मार्ग है, स्वयं से स्वयं को जोड़ने का मार्ग है, एक ऐसा सपाट मार्ग है जिसमें आकर के सारी पगडंडियां विलीन हो जाती है। ऐसे सपाट सरल मार्ग बताने वाले संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, संत गुरुजनों के चरणों में साहेब बंदगी करते हुए, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक बार जोर से करें भाई जयकारा, सद्गुरु कबीर साहेब की। सद्गुरु संगीत वाले नहीं आए तो बाद में टाइम लगा दो। अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए वीरद विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष संत प्रवर श्री कृपा शरण साहेब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त देवी, कबीर जयंती महोत्सव का आज दूसरे दिन का ये प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की मौलिक वाणी बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ से पधारे हुए भजन मंडली के द्वारा बहुत ही सुमधुर कंठ से आप भजन सुने। अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए हैं।
एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी अच्छा आदमी बन जाए तो हमारे देश की नहीं, विश्व मानव समाज की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान हो जाए। मानवता के परम पुजारी संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपनी मौलिक कृत बीजक में कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। इस एक साखी में सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज में जो समस्याएं उपस्थित हैं उसके मूल कारण पर उन्होंने विचार किया। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। संसार में चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, चाहे जिसकी आराधना करने वाले हों, सभी व्यक्ति अपना हाल ठीक रखना चाहते हैं। हाल तो ठीक रखना चाहते हैं किंतु हाल का घनिष्ठ संबंध चाल से है। आदमी की जब चाल सही होती है तो उसका हाल सही होता है, चाल खराब होती है तो हाल खराब होता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वह हाल को ठीक रखना चाहता है, चाल को ऊपर वाले पर छोड़ देता है। कहता क्या है, मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। होई वह जो राम रच राखा को कही तरक बढ़ावे साखा। हाल ठीक रखना चाहता है, चाल को ऊपर वाले पर छोड़ दे उसकी जैसी मर्जी। यहां तक लोग कहते हैं उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, आदमी कैसे हिले। मैं सन 64 में ऋषिकेश में पढ़ रहा था, उस समय बद्री नारायण के पट खुले हुए थे, तीर्थयात्री बैठे हुए थे, मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था। आपस में बात करने लगे, जाय बद्री लौट के नावे बद्री। दूसरे ने कहा, अरे बद्री नारायण जिसको बुलाते हैं वही जा पाता है, सबके भाग में कहां लिखा है कि बद्री नारायण की यात्रा करे। तीसरे ने कहा, अरे उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता, आदमी कैसे हिलेगा। मैं बैठा सुन रहा था। मैंने कहा, श्रीमान जी उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता है, सन 64 की बात है, उस समय पर भारतवर्ष में 25,000 गौवें रोज कटती, ये किसके हुक्म से कट रही है। नारियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है। आदमी अपनी जिभ्या स्वाद की पूर्ति के लिए अनेक प्राणियों को मार करके पका करके पेट को कब्रिस्तान बना रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है।
तो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके लाल लाल देखने लगे कि देखने में तो साधु लगता है, क्या भगवान को नहीं मानता। कुछ उत्तर नहीं दिए, चुपचाप मौन होकर के सुनते रहे। आदमी के जीवन में दो महत्तम अभिशाप, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के दो महत्तम अभिशाप और जीवन के दो महत्तम वरदान हैं, सद्ज्ञान और सदाचरण। ये दो वरदान आदमी अपने हाल को ठीक रखना चाहता है और चाल को ठीक करने का प्रयास नहीं करता। बंधुओं, इतिहास उठाकर देखें, चाल की खराबी के कारण से बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। चाल की खराबी के कारण से सोने के लंका का राजा, अपने समय का प्रकांड पंडित, कैसा विशाल पतन हुआ। तमाम विश्व में युद्ध लड़े गए हैं केवल चाल की खराबी के कारण। चाल की खराबी के कारण से चोरी होती है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, अपहरण होता है, दुर्व्यसन होता है, भ्रष्टाचार होता है, आतंकवाद होता है, केवल आदमी की चाल की खराबी के कारण से। अगर आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि मंदिर में जाकर पूजा नहीं करता है, मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता है, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना नहीं करता है और हवन नहीं करता है, इसलिए दुखी नहीं है। दुखी इसलिए है कि उसकी चाल की खराबी, इसके कारण से दुखी है। और किसी में ताकत नहीं है कि अगर आदमी की चाल खराब हो तो उसका हाल ठीक कर सके। आप वर्तमान में देखते हैं कितने लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न, अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित रहे हैं, किंतु चाल की खराबी के कारण से सेंटर जेल में बंद। कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई कर्मकांड काम नहीं कर रहा है, कोई पद काम नहीं कर रहा है, कोई पैसा काम नहीं आ रहा है, केवल चाल की खराबी के कारण से कोई जेल के अंदर बंद। मूल पॉइंट पर सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि गई कि आदमी क्यों इतना परेशान है, उसके सामने इतनी समस्याएं क्यों खड़ी है, केवल चाल की खराबी से। हल्की अपनी चाल, चाल को आपने बिगाड़ा है, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, दूसरा ठीक नहीं कर सकता है। दूसरे से कुछ काम संसार में ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं हम दूसरों से भी करवा सकते हैं। जैसे भोजन बनाने का काम आप माँ से करवा सकते हैं, पत्नी से करवा सकते हैं, बहन से करवा सकते हैं, पुत्री से करवा सकते हैं, नौकर से करवा सकते हैं, किंतु भोजन पाने का काम आपको स्वयं करना होगा। पलंग आप किसी से बिछवा सकते हैं, नौकरों से बिछवा सकते हैं, आत्मीय लोगों से बिछवा सकते हैं, किंतु पलंग में विश्राम आपको ही करना होगा। इसी प्रकार से संसार में अपने उद्धार का काम आपको ही करना होगा, वो उद्धार से संभव नहीं। अपनी जिंदगी आप पैदा कर अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। गीताकार ने हजारों साल पहले उद्घोष किया था कि उद्धरे दात मनात मानम नात मान मौसादये, अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करें। तुम्हारा कोई उद्धारक नहीं है, अपने उद्धार का काम आपको स्वयं करना होगा। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी के अंदर एक सुंदर भाव जगना चाहिए कि हम अपने जीवन को स्वयं ठीक बनाएं। आज आदमी परावलंबी है, काम गलत करता है, फिर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कर देता है, सोचता है कि सब ठीक हो जाए, सब क्षमा हो जाएगा,
कुछ क्षमा नहीं होता है। आदमी जो कुछ अच्छा बुरा करता है उसके संस्कार उसके भीतर टिकते हैं और कालांतर में उसे भोगना पड़ता है। इसलिए संत सम्राट गुरु कबीर साहब एक क्रांतिकारी संदेश देते हैं कि अगर तुम दुखी हो समस्याओं से घिरे हुए हो तो उसका मूल कारण है हल्की अपनी चाल। अपनी चाल को ठीक करो हाल अपने आप ठीक हो जाएगा। भोजन आप पाते हैं तृप्ति अपने आप होती है। पौधा आप लगाते हैं फल उसमें स्वयं लगता है। इसलिए चाल को ठीक करो। अब आदमी चाल ठीक क्यों नहीं कर पाता है उसके तीन कारण भाग्यवाद दयोवाद और अहमवाद। ये तीन बात ऐसे हैं जो संसार का समर्थशाली मानव अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना पा रहा है पवित्र नहीं बना रहा है अपनी चाल को ठीक नहीं कर पा रहा है। उसके केवल तीन कारण हैं। पहला कारण है भाग्यवाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोचते हैं हमारे भाग में लिखा होगा तो हम कुछ कर सकेंगे। भाग में विधाता ने लिखा ही नहीं जैसा लिखा है वैसा हम जी रहे हैं कर रहे हैं। भाग के भरोसे बैठ जाते हैं पुरुषार्थ बंद हो जाता है आदमी जहां का तहां पड़ा रहता है। दूसरा दयोवाद है। जो कुछ करने वाला है सब ऊपर वाला है हम तो आदमी हैं हम क्या कर सकते हैं करने कराने वाला तो ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने कुछ ऐसा हमें किया नहीं अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे साधना करेंगे। ऊपर वाले की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। दयोवाद का सहारा लेकर आदमी अकर्मण्यता की ओर बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है अहमवाद। आदमी के अंदर इतना अहम है वो गुरुजनों के पास नहीं जाता है संतों के पास नहीं जाता है। सोचता है कि हमारे लिए बैठने की स्पेशल व्यवस्था हो तो हम सत्संग में जाएंगे। आदमी के अंदर अहम होने के नाते विनम्रता न होने के कारण से गुरुजनों के पास नहीं जा पाता संतों के पास नहीं जा पाता और वहां उसको वास्तविकता का बोध और नहीं हो सकता। चाहे आप मंदिर में जीवन पर्यंत तीन बार पूजा करें पांच बार नमाज पढ़ें प्रार्थना करें जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे संत नहीं मिलेंगे तब तक आपको यथार्थ बोध नहीं हो सकता। एक वास्तविकता अगर हमें कोई सजीव प्राणी न मिले तो आपको शब्दों का बोध नहीं हो सकता है। न किताबों में सब कुछ लिखा है ABCD लिखा है काखा गाघा अंगा लिखा है और आयोन रिलिक लिखा हुआ है किंतु जब तक कोई सजीव मूर्ति नहीं मिलेगा तब तक नवीन बच्चे को पुस्तक नहीं पढ़ा सकती है कि ये का लिखा है खा लिखा है ए लिखा है बी लिखा है। शब्द बोध के लिए भी जिंदा गुरु की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से तत्व बोध के लिए भी जिंदा गुरु की जरूरत होती है। उपासना के क्षेत्र में जो निर्मलता नहीं दिखाई देती है उसका मूल कारण यही है उपास्य देव प्रत्यक्ष नहीं। उपास्य उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य देव प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उसको कुछ बोध नहीं होता है। जीवन पर्यंत पूजा करता है तमाकू भी नहीं छूटती। पांच बार नहीं सात बार नमाज लोग पढ़ते हैं कितनी श्रद्धा से पढ़ते हैं जहां समय आता है वहां श्रद्धा से नमाज पढ़ते हैं किंतु जीवन की कोई बुराई छूटती नहीं। क्यों? वहां उपास प्रत्यक्ष नहीं। उपास जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक आदमी को बोध नहीं होगा। ना आदमी बुराइयों से मुक्त हो सकता है ना वो आत्मबोध प्राप्त कर सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि उपास देव प्रत्यक्ष हो। इसलिए सदगुरु और संत के अलावा कोई यथार्थ बोध देने वाला नहीं। अब बोध न मिलने से चाल में परिवर्तन नहीं होता। आदमी के अंदर विनम्रता की बहुत जरूरत है। विद्या ददाति विनयम। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान। जो वृक्ष फलते हैं वे झुकते हैं जो तराजू वजनदार होते हैं वे नीचे होते हैं। बोलो सदगुरु देव की।
शांति से आप लोग बैठ गए। तो इस प्रकार से मनुष्य एक समर्थशाली प्राणी होते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहा है। उसके मैं तीन कारण बताया हूं, भाग्यवाद, दयोवाद और अहमवाद। अगर ये आदमी को सदगुरु के द्वारा, संतों के द्वारा यथार्थ बोध प्राप्त हो जाए तो आदमी एक समर्थशाली प्राणी है, अपने जीवन की दिशा को ठीक कर सकता है। उसके अंदर ऐसा पावर, आदमी के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति है, वो अगर संकल्प शक्ति ठीक कर ले तो अपने जीवन की दिशा को बदल देता है और उसकी दशा बदल जाती है। हर आदमी के अंदर ये क्षमता है, उस क्षमता को जागृत करने के लिए सत्संग ये सबल माध्यम। जितने माध्यम कल्याण के बताए गए हैं, सबसे सबल माध्यम सत्संग। आप राइफल में गोली लेते, राइफल की गोली ले हाथ से मारे तो राइफल की गोली दीवार को आर पार नहीं कर सकती है, किंतु राइफल में भर करके गोली मारे तो दीवार को आर पार कर देती थी। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों के द्वारा जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर चिंतन पैदा होता है, विचारों में परिवर्तन होता है। अगर भीतर की स्थिति ठीक हो जाती है, नैतिक स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए बंधुओं, बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति सत्संग में आकर के ठीक से सुने। सुनना भी एक कला है, वो सबको नहीं आती। कितने लोग सत्संग में आते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते हैं लगता महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या, अरे बंद कर दे हम दूसरा काम करें। ऐसे लोग शिष्टाचार के नाते आकर बैठते हैं तो जीवन पर्यंत बैठे रहे, कुछ लाभ नहीं होता। मना स्थिति को ठीक बना करके ठीक से सुने, उस पर मनन करें, चिंतन करें और जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने पर पूरा लाभ होता है। इस प्रकार प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री साहिब जी के अमृत वचनों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। पूज्य साहिब जी विराजमान है, उससे पूर्व है। और सुखी होने के लिए, तृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए वो बाहरी सुख सुविधाएं, बाहरी कुछ साधन जुटा रहा है जिसमें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, लेकिन ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सुख का अनुभव जिस साधन से किया जाता है वो साधन क्या है। हमारा मन, मन से ही तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। यदि मन निर्मल नहीं हुआ, मन में कामनाएं वासनाएं बनी हुई हैं, तो बाहरी साधन हमें कहां सुख दे सकते हैं। जीने के लिए एक समझ की आवश्यकता है, जो समझ इन महापुरुषों ने हम सबको दी है। महात्मा बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और सुखी रहने का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। संसार में सर्वत्र दुख है, लेकिन उससे कब बचोगे, जब राम को जानोगे समझोगे। वो राम हमारी अंतरात्मा, हमारा अपना आपा, अपना अस्तित्व ही है। तो महात्मा बुद्ध ने भी मन की निर्मलता को बहुत प्रमुखता दी है, पूरा जोर मन पर। उनकी वाणी ही मन से शुरू होती है, मनोपबग्गमा धम्मा। और सद्गुरु कबीर ने तो कह ही दिया है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते क्या तुम परमात्मा को, भगवान को खोज रहे हो, पता मालूम है कहां, मालूम है पता,
हमें अपना ही पता मालूम है, मालूम नहीं है, उसका पता कहां से मालूम होगा? नहीं मिलने वाला। साहब ने युक्ति बताई, यह मन तो निर्मल भया। हमारा जो मन है ये निर्मल यदि हो गया तो भगवान है ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो पीछे पीछे घूमेगा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वास्तव में यदि देखा जाए, हम सबके जीवन का अपना अनुभव है, हमारा मलिन मन, कामनाओं वासनाओं से आलिप्त हमारा मन शैतान है, जो हमें नचाता है, दुख देता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि बंधनों में बांधता है, और हमारा निर्मल मन उस निष्काम दशा को, उस संतोष को, उस शाश्वत सुख को अपने जीवन में अनुभूत कराता है। पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहेब जी कहा करते थे, मन की निर्मलता ही स्वर्ग है और मन की अनासक्ति मोक्ष है। स्वर्ग मोक्ष बैकुंठ ये अलग नहीं है। मोह का क्षय हो जाना ये मोक्ष, वासनाओं का बुझ जाना, वासनाओं का समाप्त हो जाना ये निर्वाण, मन की कुंठाओं का दूर हो जाना, मन की कुंठाओं का कॉम्प्लेक्सेस का मिट जाना ये बैकुंठ है। हमने अलग कोई लोक की कल्पना की, अलग कोई धाम की कल्पना की, अलग कोई इष्ट की कल्पना की, जो हमें सुख देगा, कल्याण देगा, शांति देगा, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे जीवन में आया नहीं है अवसर, न देने वाला मिला, न हमें उसका अनुभव हुआ। सदगुरु कबीर ने कहा, इतते सब कोई गए, भार लदाए लदाए, उतसे कोई ना आया, जासो पूछिए धाए। गीत तो बहुत गाए जा रहे हैं, अमुक धाम है, वहां बड़ा आनंद है, स्वर्ग है, मोक्ष है, साकेत धाम है, गोलोक है, तमाम धामों की बातें होती हैं, पुराणों में कथाएं आती हैं, उनकी बड़ी महिमा है। लेकिन साहब कहते हैं, यहां से मर करके सब जा रहे हैं, अपने कर्मों का बोझा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वहां से आकर के कोई नहीं कहता है कि भाई चले आइए, यहां बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। साहब स्वर्ग मोक्ष कल्याण की बात जीते जी करते हैं। साहब का हिसाब किताब नगद होता है, उधारी नहीं, एकदम नगद। यदि हम अपने मन इंद्रियों को संयत करते हैं तो शांति का, उस सच्चे सुख का अनुभव हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और हमारा मन संयत नहीं है, इंद्रियां संयत नहीं है, तो जिसे नर्क कहते हैं वो हमारे जीवन में अनुभूत होता है। स्वर्ग नर्क की परिभाषा के लिए एक उदाहरण है। एक आदमी एक संत के पास गया, शायद वो राजा था। उसने पूछा, स्वर्ग कहां है और नर्क कहां है? उन्होंने कहा, बैठिए कुछ देर, आपको बताऊंगा स्वर्ग कहां है और नर्क कहां है। कुछ देर बैठे, चर्चा होती रही। वो राजा उतावला था कि महाराज कुछ बताते ही नहीं है, व्यवहारिक चर्चाओं में लगे हुए हैं, बार बार पूछता। महात्मा ने क्रोध में आकर के अब शब्द कह करके राजा का अपमान किया। राजा एकदम क्रोध से झल्ला गया और तलवार निकल गई। वो क्या बोलता है, यदि आप महात्मा ना होते तो ये सर आपके धड़ पर नहीं होता। क्या कहता है, यदि आप महात्मा ना होते तो आपका सर आपके धड़ पर नहीं रहता, अलग हो जाता। महात्मा ने कहा, देखो देखो नर्क का दरवाजा खुल गया। राजा को लगा ये महात्मा समझाने के लिए ऐसा बर्ताव किए, बड़ा विनम्र हो गया और चरणों में जाकर के गिर गया, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया, अब मुझे समझ में आया।
महात्मा ने कहा देखो 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 स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। ये प्रत्यक्ष अनुभव है हम सबके जीवन का। मन की निर्मलता यही स्वर्ग है, मन की मलिनता यही नरक है। संतों ने यही जीवन की शिक्षा हम सबको दी है। आइए हम सब इन महान पुरुषों के जीवन आदर्श को आत्मसात करें, इनकी पावन वाणियों को जिएं, क्योंकि कबीर साहब ने तो कुछ छोड़ा नहीं है, वो तो स्पष्ट कह दिए हैं, तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। तिल का जो पौधा होता है एक लंबा लंबा सा पौधा होता है गेहूं के जैसा ऊंचा, और उसमें ऊपर फल्ली होती है, उसमें तिल निकलता है। तो फसल काटने के बाद उसको पीटा जाता है तब तिल फूट करके निकलता है। तो एक तरफ से पीटते जाते तिल एक तरफ निकलता जाता है और उसके डंठल को अलग रख दिया जाता है, जिसे तिलैठी कहते हैं। इन महापुरुषों ने अपने जीवन को तपाया, जीवन के सार को, जीवन के सच्चे आनंद को जिया और जी करके इस धरा धाम से चले गए। मानो उन्होंने तिल को निकाल लिया, झाड़ लिया, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को पा लिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तिलैठी झाड़ रहे हैं कि हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारा संप्रदाय, हमारी पुस्तक बहुत ऊंची है। सार की बात तो केवल वही मिलती है, लेकिन वो सार हमारे जीवन में उतरा नहीं है, तो तिलैठी झाड़ना हुआ। वास्तव में सज्जनों, ऐसे महापुरुष समय समय से इस धरा धाम पर आया जाया करते हैं और अपने जीवन आदर्श के द्वारा सुंदर शिक्षा हम सबको दे जाते हैं। लेकिन उसका पूरा आनंद, उसका पूरा लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और सच्चे अर्थों में उस सच्चे सुख को, शाश्वत शांति को अनुभव कर सकेंगे, पा सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।